नागरिकता संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है। आज सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर अपनी मुहर भी लगा दी है, जिसके बाद इस बिल ने कानून की शक्ल ले लिया है। संसद से बिल के पास होने के बाद से इसका विरोध बढ़ गया है, खासकर के पूर्वोत्तर के राज्यों में विरोध प्रदर्शन जो है तेज हो चुका है, लेकिन इसे लेकर उत्तर प्रदेश में भी अब तनाव की स्थिति है। जी हां, यूपी के अलीगढ़ सहारनपुर में तनाव बढ़ चुका है, यहां तक कि इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई है। अलीगढ़ जिला प्रशासन ने सार्वजनिक तौर पर किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। विरोध के चलते शरारती तत्वों ने रोड जाम करने का प्रयास भी किया, जिसमें लगभग 250 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। तो अलीगढ़ और सहारनपुर में इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में सीएबी को लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अब जबकि दोनों सदनों से पास होकर रामनाथ कोविंद ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है, अब ये कानून बन चुका है। तो उसके बाद यूपी के अलीगढ़ और सहारनपुर में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन जो है वो तेज कर दिया, जिसे देखते हुए इंटरनेट की सेवा अलीगढ़ और सहारनपुर में बंद कर दी गई है। 250 लोगों पर केस जो है वो दर्ज किया गया है। आज का जुमे की नमाज के बाद का जो ये प्रदर्शन था, ये इसलिए था कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, ये संविधान का विरोधी बिल है। हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पे बना हुआ है, और देश को धर्मनिरपेक्षता के आधार पे चलाया जाएगा, ना कि धार्मिक आधार पे। ये जो बिल है ये कतई धार्मिक आधार पे पास हुआ है, इसलिए ये संविधान का विरोधी बिल है, और संविधान का विरोध ये बिल कर रहा है, इसलिए